SBS News, सच का साथी। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी के स्थानीय निकाय में नियुक्ति की मांग, पेंशन बहाल, वेतन वृद्धि समिति कई मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन है। प्रदेश सरकार से संबंधित समस्याओं का संबोधन दे चुके हैं ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए चेतावनी। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने दिया प्रदर्शन। मेरा नाम है जगदीश प्रसाद वाल्मीकि, महामंत्री, और यहाँ पर हम लोग ने जो आज धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है, सफाई कर्मचारियों की काफ़ी वर्षों से लंबित मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, मगर वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। अभी हमने 13 अप्रैल को माननीय नगर विकास मंत्री जी को प्रोग्राम दे करके बुलाया, और बुलाने के बाद अपना फरियाद रखी, ज्ञापन भी दिया, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हो जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा संविदा कर्मचारियों को, और आज तक नहीं किया गया। मुख्य मांगे क्या क्या? मुख्य मांगे हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और समान कार्य का जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि कोई भी सफाई कर्मचारी एक ही सड़क पर कार्य कर रहा है उसको 30,000 दिया जा रहा है, दूसरे को आप 7,000 दे रहे हैं, तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। अगर आपकी मांगों को अटल नहीं किया गया तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अभी तो हम लोगों द्वारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ध्यान आकर्षण कराने के लिए सरकार का। अगर ध्यान नहीं दे रही सरकार तो एक आखिरी हथियार हमारा बसता है, वो पूरे प्रदेश में हम हड़ताल, काम बंद का, झाड़ू सड़कों पे नहीं लगाने का संकल्प लेंगे आज, और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्प कर